नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का मेरा विषय है व्हाट इज रियल एजुकेशन, असली ज्ञान क्या है। तो आइए सबसे पहले हम हमारी कुछ गलतफहमियों को दूर करें। आमतौर पर माना जाता है कि हम स्कूल कॉलेज में एजुकेशन लेते, शिक्षा प्राप्त करते, पर मैंने कई स्कूलों में, कई कॉलेज में प्रोफेसर से, टीचर्स से जब भी पूछा कि क्या हम वाकई में स्कूल कॉलेज में एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं, इस बात पर आम तौर पर सहमति यह है कि वहां शिक्षा कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं और ज्यादातर लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी बात का गलत मतलब न निकालें, हमें स्कूल कॉलेजों में ढेर सारी सूचनाएं हासिल करनी है। शिक्षित होने के लिए सूचनाएं भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही हमें शिक्षा का सही मायने भी समझना चाहिए। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर करती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती तो वह खतरनाक है। अगर हम अपने दफ्तर, घर और समाज में लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक स्तर पर नैतिक शिक्षा भी देनी है। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसी बुनियादी गुण विकसित करने वाली शिक्षा बेहद जरूरी है। हमें ज्यादा अक्षर शिक्षा की जरूरत नहीं बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की है। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी जिंदगी में उस आदमी की तुलना में ज्यादा कामयाब होता है और तरक्की हासिल कर सकता है जिससे ज्यादा अच्छी शिक्षा मिली है और जिसके पास नैतिकता की पूंजी बिल्कुल नहीं। नैतिकता विहीन शिक्षा। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि विश्वविद्यालय से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकलते, क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे जिसकी उन्हें ज्यादा से ज्यादा तलाश है। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से सामान ही चुराएगा, पर पढ़ा लिखा चोर को रेल की पूरी पटरी ही उड़ा जाएगा। हमें ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने की होड़ लगानी चाहिए। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उनका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है। कोई आदमी अच्छा ग्रेड, ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद अशिक्षित रह सकता है। ज्यादा सीखे बिना अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वह है सीखने के सही तरीके से। सीखने के सही तरीके को सीखें। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा करती है। नॉलेज इज नॉट पावर। सिर्फ ज्ञान शक्ति नहीं, हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है लेकिन असलियत नहीं। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम, ज्ञान में शक्ति बनाने की क्षमता है। यह तभी शक्ति बनती है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता, दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क, कोई खास नहीं। सीखने और खाने में काफी समानता है। हम बात यह नहीं होती कितना खाया है बल्कि यह होती है कि हमने कितना पचाया। सच यह है कि ज्ञान में शक्ति छिपी होती है, पर असली शक्ति बुद्धिमत्ता। शिक्षा के कई रूप, इसका मतलब केवल ग्रेड और डिग्री हासिल करना नहीं होता। शिक्षा के दायरे में सारी बातें शामिल हैं, जैसे अपनी शक्ति को बढ़ाना, आत्म अनुशासन सीखना, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना, सीखने की गहरी इच्छा होना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह है, उसका तेज या मंद होना इस बात पर निर्भर होता है कि हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। किसी ने ठीक कहा है, अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन के रहो। दोस्तों, आज का मेरा विषय असली शिक्षा क्या है पर आधारित। हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं कई व्यक्ति
अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो कार्य नहीं कर पाते जो एक कम पढ़ा लिखा बल्कि समझदार व्यक्ति कर ले। तो हमें समझदारी का इस्तेमाल करना, पढ़ाई का इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन में अनुसरण करना है, उसी को असली ज्ञान कहते हैं। धन्यवाद।